अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता था कि मैं लाहौर गया हुआ था, तो मैं रात को ही वापस आया, तो सुबह ऊपर आए हैं अभी हम। तो इनको मैं बहुत ज़्यादा खाना डाल के गया था, वो देखें अभी भी पड़ा हुआ है काफ़ी। वो पीछे पिजन्स को भी पानी और खाना मैं बहुत ज़्यादा डाल के गया था, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं था जो इनकी केयर करता। और मैं वैसे घूमने गया था, तो मैंने कहा कि इनको खाना पानी डाल दूँ। वो देखें उनको भी कितना ज़्यादा खाना डाला हुआ है इनको भी। तो रात को मैं वापस आया हूँ, तो केज काफ़ी ज़्यादा गंदे हुए हुए हैं और इनके बर्तन भी काफ़ी गंदे हुए हैं, तो आज हम सफाई करेंगे। ये देखें, मैं कबूतरों को इस डब्बे में पानी डाल के गया था, इसमें भी, और इनका ये जो बर्तन है इसमें भी। ये भी मैंने साफ़ करके इनको नया पानी डाला है। और अंदर आप गंद चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गंद है। अंडे भी इन्हें दिए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा कबूतरों के पर भी आ चुके हैं, नए पर आ चुके हैं। वो फीमेल अंडू पर बैठी है, वो देखें ब्लैक वाली, वो अंदर। बाकी हम केज की आज सफाई करेंगे। और इनका खाना ख़त्म हो चुका है, उसमें सारे इनको डाल के गया हुआ था। और पैरट्स ने एग दिए हुए हैं, सारे अंदर आराम से बैठे हुए हैं। डव नज़र नहीं आ रही, दूसरी एक तो वो ऊपर बैठी हुई है, दूसरी डव वो नीचे खाना खा रही है। तो ये ऐसे क्यों बैठी हुई है पता नहीं इसको क्या है, अंदर चेक करते हैं जाके ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। और फिंच हमारी किधर हैं, फिंच दोनों आराम से बैठी हुई हैं। ये देखते हैं कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, तो क्या खास बात है। माशाल्लाह देखें, डव ने भी अंडा दे दिया है ये ऊपर ये, और मेरे ख्याल से वो जो नीचे अंडा पड़ा हुआ है वो वाला, ये भी डव का ही है। तो इनका घर हमने वो नीचे बनाया था, पर इन्होंने इधर ऊपर ही अंडे दे दिए। तो ये बहुत ख़तरनाक जगह है, यहाँ से अंडा गिर भी सकता है। तो हम नीचे जा के घास लेके आएंगे, तो वो इधर डालेंगे ताकि आराम से बैठ सकें। बाकी इसमें मेरे ख्याल से पैरिस ने भी एग दिए हुए जी दिए हुए। और ये हमारी फिंच ने नया घर बना लिया, माशाल्लाह फिंच ने भी अंडा दिया, वो देखें। तो वापस आके बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली हमें। तो अभी इनकी सफाई करते हैं केजेस की, और इनको खाना वगैरह डालते हैं। अब मैं अभी बाजरा ले आया हूँ, तो पैरेट्स का खाना नहीं है, तो इनको शाम को ही डालेंगे, लेके आएंगे जब नया। बाकी पैरेट्स वगैरह को दूसरे वालों को डाल दिया मैंने, इनका शाम को लेके आएंगे। कबूतरों को खाना डालते हैं, चावल थे वो भी डाल देते हैं। माशाल्लाह से सब कबूतरों के पर फुल हो चुके हैं, सिर्फ एक रह गई है जो हमने नहीं पकड़ी थी। हम इसको भी फीमेल समझ रहे थे, जिसको पर्पल कलर लगा हुआ था लास्ट टाइम जो हमने पकड़ा था, वो जिसकी दुम पर भी पर्पल कलर था ये वाला, तो ये भी मेल ही है। तो एक और जो हमने पकड़ा था ब्राउन सार वाला, वो भी हम समझ रहे थे फीमेल है, वो भी मेल निकला। तो ये दोनों ही मेल हैं। तो चावल मैंने इनको डाल दिए, ये बॉयल्ड चावल पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अभी तक ये खा लें। तो सारे ऊपर उड़ के बैठ गए, तो दो तीन उड़ भी गए। तो ये नीचे जब तक आ जाते हैं, तो केज की सफाई हम शाम को करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वो देखें डव बैठी हुई है अंडों पे, नीचे मटकी में पैरेट ने अंडे दिए हुए हैं, उसके ऊपर डव ने अंडे दे दिए, और फिंच ने ये नीचे वाली मटकी में अंडे दिए हुए। तो पानी मेरे ख्याल से फिर से आए, क्योंकि वो डोली जो है वो गीली है, तो हमने ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीमेंट लगाया था पर फिर भी पानी आ गया। तो अब हमें इसका कोई और इलाज करना पड़ेगा, ऐसे तो इनकी मटकियों में पानी जाएंगे और बच्चे नहीं निकलेंगे। तो केज की सफाई शाम को, क्योंकि अभी मैंने इनको डाल दिया है चावल, और बाजरा भी मैं ले आया हूँ कबूतरों के लिए। पिछली बार मैंने कबूतरों को मिक्स फीड डाली थी, तो इसलिए मैं बाजरा कम लेके आया, क्योंकि अभी ये पेट फुल कर लें। और शाम को मैं कबूतरों के लिए भी मिक्स फीड लेके आऊँगा, जिसमें सारे दाना और पता नहीं क्या क्या डला हुआ होता है। और पैरेट्स की तो आपको पता ही पहले से ही मिक्स होती है, तो इन सब के लिए मैं खाना शाम को लेके आऊँगा, तो इनको फिर वो डालेंगे। अभी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ये पेट अपना फुल कर लें, क्योंकि काफ़ी भूखे होंगे। खाना तो मैं डाल के गया था ज़्यादा, पर फिर भी भूख तो लगती है। तो देखे सारे जो नए पिजन्स थे जिनके पर कटे हुए थे, वो भी ऊपर ही बैठे हैं केज के। एक वो जो स्टिक पे लास्ट वाला बैठा, वो भी बिल्कुल नया पिजन, उसके पर अभी बहुत थोड़े, फिर भी वो ऊपर चला गया। बाकी भी ऊपर ही बैठे हैं, तो अभी ये आहिस्ते आहिस्ते नीचे आएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि देखें इतने इनको भूख नहीं लगी हुई, क्योंकि आराम से ऊपर बैठे हैं, क्योंकि खाना नीचे कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो मतलब इनको इतनी भूख नहीं थी, इनने अपना पेट फुल किया हुआ है। तो बाकी शाम को फिर केज साफ़ करेंगे और खाना इनको डालेंगे। इस साइड पे मैंने पैरेट्स का वो पड़ा हुआ था सीड, सनफ्लावर सीड्स पड़े हुए थे, तो वो मैंने अभी इनके लिए डाल दिए। ये देखें ये मैंने नए इनको डाले, ये तो ये भी अभी ऊपर ही बैठे हुए हैं, इनको भी शायद भूख नहीं लगी हुई, आराम से बैठे हुए। कॉकटेल को तो बहुत ज़्यादा खाना डाला हुआ, इन्हें अभी तक फिनिश भी नहीं किया। मैं मार्केट गया था, वहाँ से मैं बाजरा और सारों के लिए खाना लेके आया हूँ, और मैं ये लेके
बास्केट और ये नेस्टिंग मटेरियल है, ये डव्स के लिए लेके आए क्योंकि उसने अंडे दिए, वो देखिए अभी भी ऊपर बैठी है, तो अंडा एक तो नीचे गिर चुका है उनका, दूसरा भी गिर चुका है, इसलिए मैं ये लेके आया। तो ये रखते हैं, देखते हैं उन पर बैठेगा कि नहीं। बाकी मैं ये पूरा खाना लेके आया, ये देखे ये कबूतरों का है, ये वाला ये कबूतरों के लिए लेके आया हूँ, मिक्स फीड है सारी। और ये सनफ्लावर्स हैं, ये रिंगनेक के लिए, और ये फिंच का है और वो भी रिंगनेक का है, ये बाजरा भी अलग से पड़ा हुआ है। तो सबका खाना आ चुका है और अभी सबके केज की सफाई करेंगे, उसके बाद इनके केज की भी, फिर हम ये लगाते हैं बास्केट और देखते हैं बैठेगी कि नहीं। अभी वो देखिए ऊपर बैठी हुई है फीमेल, तो सबसे पहले सफाई करते हैं। वो देखिए हमने जो नया पकड़ा था वो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, वो देखिए वो, तो इसको जिसको हम फीमेल समझ रहे थे वो भी मेल ही निकला है। ये देखें, ये मैं जूम कर देता हूँ, ये वाला, ये जो है, ये देखें, ये मेल ही है। तो सबसे पहले केजेस की सफाई करेंगे, उसके बाद इनको खाना डालेंगे क्योंकि काफ़ी गंद मचा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। बास्केट मैंने इनकी तैयार कर ली है नेस्टिंग मटेरियल से, ये देखें। तो अब इसको उधर लगाते हैं। कबूतर भी सारे बाहर आ चुके हैं और सारे नए कबूतरों के पार फुल हो चुके हैं, तो अब यही डर लगा हुआ है कि ये ही कहीं उड़ ना जाएं। तो क्योंकि अभी ये घर के पक्के नहीं हुए, पुराने वाले तो पक्के हैं पर नए वाले हमारे पास हैं, 6-7 नए वाले हैं, तो उनको अभी पक्का करने में टाइम लगेगा। एक ये निकल रहा है अभी, ये इसके भी पार अभी आ चुके हैं। बाकी एक ये जो गुस्सा कर रही है वाला, एक वो ब्राउन सर वाला है, एक ये जो पर्पल कलर वाला है वो, एक और वो जो बीच में ब्लैक सर वाला है वो खा रहा है जिसको रिंग डले हुए, काफ़ी नए हैं तो, और हमारे ब्लैक उनके भी पर्पल हो चुके हैं। तो अभी मैं ये लगा देता हूँ सबसे पहले, फिर केज की सफाई करते हैं। मैंने लगा दिए इसके ऊपर, अंदर एक पैरेट ने भी अंडे दिए, वो देखे। बाकी ये मैंने ऊपर लगा दी, वो उनका अंडा भी रख दिया मैंने। तो अब देखते हैं ये बैठेगी कि नहीं, अभी बाहर चलते हैं। और ये फिंच का था, इनने भी अंडा दिया हुआ है, और नेस्टिंग मटेरियल में और भी लेके आए तो वो भी इधर रख देते हैं। बाकी अब देखते हैं कि बैठते हैं कि नहीं। बाहर आ गया हूँ और वो लगा के, तो मैं अब नोटिस कर रहा हूँ कि देखते हैं कि वो बैठेगी कि नहीं। वो देखें आ चुकी है उसके पास, ऊपर जाने से भी डर रही है वो। वो देखें, और इधर सब ये कबूतर गुस्सा कर रहे हैं सही। वो देखें, वो इधर, ये उधर, वो और वो नहीं बैठ रही अभी तक। दोनों डब्स आ चुकी हैं इसी एक ही स्टिक पे बैठी हुई हैं, पर एक ही नीचे उतर के ये आ गई है। ये फीमेल वाली है और वो मेल है। वो देख फिर उधर चली गई। एक दफ़ा बस इनको पहचान हो जाए तो फिर ये आराम से बैठना शुरू हो जाएंगे, अभी तो वो डर रही हैं। तो नीचे आ गई हैं दाना वगैरह खाने। आज मैंने कबूतर उड़ाए हैं, नए वाले तो शुक्र है कोई भी नहीं उड़ा, बाकी ये सारे उड़ गए हैं। ब्लैक वाला भी उड़ गया है, वो देखें, और एक ब्लैक अंडों पे बैठी हुई है फीमेल, और एक इधर पीछे चाह के बैठ गया है, ये देखिए। और वो अभी तक नहीं बैठे जाके, शायद थोड़ी देर तक बैठ जाए। तो मैं केज की सफाई शुरू कर देता हूँ। पिजन केज की सफाई हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, और कबूतर अभी हमारे थोड़े से उड़ रहे हैं। ये ब्लैक वाला भी आज उड़ा है और दूसरा ब्लैक आके बैठ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ केज, ये देखें बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया है ये, और ये अंदर से भी साफ़ कर दिया है। कबूतर आधे आ चुके हैं, आधे उड़ रहे हैं, आधे ये बाहर बैठे हुए हैं, और छत पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा, छत भी साफ़ कर लेते हैं। और हमारी डव जाके बैठ गई थी, अभी फिर उठ के आ गई है, और अभी इस केज की सफाई करते हैं। देखिए हमारी डव कैसे खुद सेट कर रही है घास सारा, और दूसरी ये बैठी हुई फीमेल। अब मैं जा रहा हूँ आराम से केज साफ़ करते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो अपना, अब नेस्ट मैंने घास रख दिया था अंडा भी, अब वो खुद उसको सेट कर रहा है। अब बिल्कुल सेट हो गया है, मैंने फिंच के लिए भी उसमें डाल दिया। देखिए फिंच भी अब खुशी से अंदर चली गई है, वो देखिए
और दूसरी वो बैठी हुई है, वो भी अब उठा उठा के अंदर लेके जा रही है। ये भी अपना नेस्ट बना रही है, इनने भी अंडे दिए हैं। और इनका जो खाना बचा था सारा के सारा वो मैंने इनको डाल दिया है। इसमें काफ़ी खाना बचा हुआ था तो मैंने कहा ये ज़ाया ना कबूतर खा लें, बाकी ये उड़ रहे हैं, तीन चार पाँच पाँच उड़ रहे हैं, बाकी ये खा रहे हैं। मैंने कहा खाना बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और इस तरफ मैंने रिंग नेक जो थे इनका केज भी साफ़ कर दिए, तो बहुत मुश्किल से झाड़ू से इसको डरा डरा के केज साफ़ किया, तो इनको भी नया खाना डालते हैं लेके आए हैं। और इनका भी खाना बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है तो ये भी सारा उठाते हैं और कबूतरों को डालते हैं, इनको नया डाल दें ताकि ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। तो ये खा रहे हैं अभी। रिंग नेक और कॉकरेल दोनों के केज की सफाई हो गई है, बर्तन बाहर आ चुके हैं, देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब इनको खाना डालेंगे और कबूतरों को बहुत ज़्यादा मैंने खाना डाल दिया है, तो ये तो शायद इसी से फूल हो जाए, नहीं तो इनको और डाल देंगे बाद में चेक करेंगे। और इनको खाना और पानी वाले बर्तन के मैंने निकाल लिए, तो धो के ताज़ा पानी और दाना डालते हैं। अब काफ़ी खुश हैं फिंच भी और डव भी, तो अब मैं छत साफ़ कर लेता हूँ पहले और फिर इनको इकट्ठे खाना और पानी सबको डालेंगे। तो अब हमारे तीन चार कबूतर ऊपर रह गए, एक ये उड़ रहा है, बाकी दो ऊपर हैं। हम कंप्लीट हो चुके हैं आज, तो मैंने ये भी साफ़ कर दिया सारा, इसके अंदर जो गंद था वो भी सारा निकाल दिया है, बाकी केजेस की सफाई भी कर दिए सारे क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल खाली था, और जो गंद इधर पड़ा था सारा साफ़ कर दिया, सेट कर दिया जगह। और यहाँ से छत भी साफ़ हो गई है, केजेस भी साफ़ हो गए, इनको खाना पानी दोनों को डल चुका है। अब बारी है ये एरिया सारा साफ़ करने की, जितना भी सारा खाना है ये सारा उठाते हैं क्योंकि अब ये गंद ही रह गया, बाकी इनको खाना डालना है और पानी डालना है, और उनको पानी और खाना डालना है, बाकी सारा काम हो चुका है। अब पहले जी जल्दी से छत की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इनको खाना पानी डलेगा। तकरीबन ये तो सारे फुल हो चुके हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खाना बचा हुआ था, तो खा पी के अंदर चले गए। बाकी मेरे ख्याल से हाँ जी दो तीन ऊपर उड़ रहे हैं अभी, तो वो भी जैसे आ जाते हैं फिर इन सबको मैं एक दफ़ा और खाना डालूंगा और पानी डालूंगा। तो अब बाकी छत की सफाई शुरू कर देते हैं। सारी छत साफ़ हो चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारा गंज इकट्ठा कर दिए मैंने, और अब इनको शॉपर में डाल के फेंक देंगे। बाकी इनको पानी डालना रह गया, इनको पानी डालना रह गया, और इनका खाना रह गया। तो शॉपर मेरे हाथ में है, स्क्रैपर भी, और बस वो कचरा डालते हैं और उसके बाद इनको खाना पानी डालते हैं। फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है, छत साफ़ हो चुकी है, केज साफ़ हो चुके हैं, और कॉकटेल रिंग ने को खाना और पानी डाल चुका है। अब बारी है कबूतरों को खाना पानी डालने की और इन पैरट्स को खाना पानी डालने की। और दो कबूतर अभी तक हमारे आए नहीं है, वो ऊपर उड़ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं पर नीचे नहीं उतरे, तो इनको अब खाना पानी डाल देते हैं जल्दी से। खाना डाल चुका है, नीचे भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। दो प्लेट्स में खाना डाला हुआ है और एक प्लेट में हमने इनको कैल्शियम डाली हुई है, तो इनको पानी डालने लगे हैं और इनके बर्तन धो के इनको भी पानी डालने लगे। सबको खाना पानी डाल चुका है, इनको भी डाल चुका है, और कबूतरों को भी पानी डाल चुका है, दाना ये खा रहे हैं, फिर से बाहर आ चुके हैं, और रिंग नेक और कॉकटेल को भी खाना डाल चुका है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।